प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को कम सीटें क्या मिली कि पाकिस्तान में उसके जश्न मनाए जाने लगे, खासतौर पर पाकिस्तान के नाम नेहात लिबरल इस बात पे जश्न मना रहे हैं कि मोदी जी ने 400 पार का नारा लगाया था और अब ये कहते हैं कि मोदी सरकार आखिरी बार। मगर वो ये भूल जाते हैं कि बीजेपी एक पुरानी पार्टी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पुराने खिलाड़ी हैं और इस बार भी उनकी सरकार बन रही है और इस सरकार में भी उनके पास एनडीए के 292 प्लस सीट्स हैं और ये सरकार भी धड़ल्ले के साथ चलेगी। लेकिन उन्होंने भारतीय अपोजिशन का वो नैरेटिव चुरा लिया जिसमें ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नफरत की सियासत की थी। भारत में ये अपोजिशन का नैरेटिव उनकी अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए है, मगर पाकिस्तान के मीडिया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नाम नेहाद रोशन मीडिया ने इस नैरेटिव को यूं चुराया कि जैसे उनकी दिल की मुरादें पूरी हो गई हैं। लेकिन ये लोग, खास तौर पर पाकिस्तान के ये रोशन ख्याल नाम नेहाद लिबरल लोग, नहीं सोचते कि जिस नफरत की बात का वो इतना ढंढोरा पीट रहे हैं कि भारत में मोदी जी ने मुसलमानों के लिए एक नफरत का नैरेटिव खड़ा किया, उस नैरेटिव की तरफ तो मैं अभी कुछ देर बाद आता हूं। लेकिन ये पाकिस्तान के नाम नेहाद लिबरल आज भी पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के साथ होने वाले जुल्म व सितम की बात नहीं करते, क्रिश्चियंस के ऊपर होने वाले अटैक की मजम्मत नहीं करते, पाकिस्तान में अहमदियों के साथ जो बेतहाशा बुरा सलूक दहाइयों से हो रहा है उसका कोई इनको एहसास नहीं है। मगर ये मुंह खोल खोल के भारत की ऑपोजिशन के नैरेटिव को बाय करते हुए यूं साबित कर रहे हैं कि जैसे दुनिया की सारी खराबियां, सारी नफरतें बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आप उस मौकफ की तरफ आइए कि जो भारत की ऑपोजिशन भी कह रही है कि बीजेपी ने नफरत की सियासत की, तो भारत की ऑपोजिशन पार्टियां अपने पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए ये कह सकते हैं और मुसलमानों के हवाले से वो ये उठा सकते हैं कि बीजेपी के कुछ लीडर्स की तरफ से या इवन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान कुछ इस तरह की बातें हुई जिनमें से कोई इंडिकेशन आपको नैरेटिव की हद तक शायद मिल सकता हो, लेकिन प्रैक्टिकली भारत के मुसलमान मकम्मल राइट्स रखते हैं। इसीलिए अवैसी जी गरज बरस के फिर से लाखों वोट्स की अक्सरियत लेकर दोबारा से इलेक्ट हुए हैं और वो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरफ से उनके लिए किसी किस्म की कोई नफरत की बात नहीं की जा रही। ये है भारत की पॉलिटिक्स का एक रुख कि भारत में पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए एक दूसरे के खिलाफ सख्त बात हो जाती है, मगर भारत के मुसलमान हों, क्रिश्चियंस हों, सिख हों, हिंदू हों, पारसी हों, कोई भी हों, भारत के एथनिक कम्युनिटी, वो सब इक्वली ट्रीट होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की 10 साल की गुज़श्ता दो सरकारों में भी इक्वली ट्रीट होते रहे और आइंदा की 5 साल की सरकार में भी इक्वली ट्रीट होते रहेंगे। मगर पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो बुरा हाल है उस पर भी ये पाकिस्तान के लिबरल जरा थोड़ा सा गौर फरमा के देख लें। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं वो तो अपनी जगह पे, वहां की जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, इवन वहां की जो पॉलिटिकल माइनॉरिटीज हैं, इवन पॉलिटिकल मेजॉरिटीज हैं, जैसे इमरान खान की पार्टी मिसाल के तौर पर वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी है, उनके साथ ये लिबरल किस तरह का नारवा सलूक कर रहे हैं, उनके साथ ये नाम नेहाद लिबरल किस तरह का नारवा सलूक कर रहे हैं वो सबके सामने। बहरहाल पाकिस्तान के कंजर्वेटिव मीडिया और लिबरल मीडिया, पाकिस्तान के कंजर्वेटिव कमेंटेटर्स और लिबरल कमेंटेटर्स आज एक पेज पे इसलिए हैं कि
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात को मेजॉरिटी से कुछ सीटें कम मिली हैं, मगर उनकी सरकार फिर भी बन रही है। आज भी वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मोदी की आखिरी सरकार होगी। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे रिटायर हो जाएं और कोई और बीजेपी का लीडर आ जाए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई एक शख्स सदा तो रहता नहीं। या तो वो पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाता है या फिर वो पॉलिटिक्स से गायब हो जाता है, इसमें कोई उचंभे की बात नहीं। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 10 साल भारत के पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अगले 5 साल भी लगता है कि वो इसी तरह पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नफरत की सियासत की, वो भारत के कुछ एलीट्स की बातें सुनकर, अगर पाकिस्तान के एलीट इस नैरेटिव को आगे लेकर चल रहे हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये आज का भारत है। इसमें नफरत की बात नहीं, मगर वो पाकिस्तान के इन्हीं एलीट को अमन की आशा के नाम पर भारत के अंदर दंदनाते फिरने की इजाजत नहीं दे रहे। इसलिए कि ये जो पाकिस्तान का एलीट है, ये भारत के बॉलीवुड, बॉम्बे के सर्कल्स, दिल्ली के बड़े बड़े एलीट के सर्कल्स के साथ बैठकर प्यार की पींगे तो बढ़ाया करते थे, मगर पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म मुसलसल कश्मीर में होती रहती थी और आज भी हो रही है, उसकी कभी मजम्मत नहीं करते थे। इनकी ये ख्वाहिश होती थी कि ये एलीट भारत आए, इनका बड़ा स्वागत हो, ये बॉलीवुड के मेहमान बने, भारत की क्रिकेट टीम के मेहमान बने, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इनके इंटरव्यूज चलते रहें और ये भारत के खिलाफ ही बातें करके वापस चले जाएं और ये साबित करें कि लाहौर लाहौर है, लाहौर से आए हुए मेहमानों को भारत ने किस तरह सर आंखों पे बिठाया, ये देखिए लाहौर की पावर है। और फिर उसके बाद ये अपनी सारी लिबरलिज्म को एक तरफ रख के इस्लाम के गुनगाने लग पड़ते हैं। तो ये किस किस्म के लिबरल्स हैं? मैंने अपने व्लॉग्स में कहा, पाकिस्तान के 3 बड़े लिबरल लीडर अंदर में कितने बड़े इस्लामिस्ट थे, आप देख लीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना, जो सबसे ज्यादा लिबरलिज्म की बातें करते थे, उन्होंने ही 2 कौमी नजरिए हिंदू नफरत की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया। जो शख्स शराब पीता था, मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में सूर का गोश्त खाता था, उसने ही इस्लामी लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए एक अलग से देश बनाने की बात की। फिर दूसरा बड़ा लिबरल लीडर इनका जुल्फकार अली भुट्टो आया था, जो सरेआम जलसों में कहता था, हाँ मैं शराब पीता हूँ मगर थोड़ी पीता हूँ, मुझे पर्सनली ना जिनाह के शराब पीने पे मसला था ना भुट्टो के शराब पीने पे कोई मसला था, मेरा किसी के ज़ाती मामलात पर कोई मसला नहीं होता, जब तक वो ज़ाती मामलात किसी लीडर की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी की सूरत में सामने ना आए। तो वही जुल्फकार अली भुट्टो जो कहता था हाँ मैं शराब पीता हूँ तो इसमें क्या हर्ज वाली बात है, उसी शख्स ने पाकिस्तान में शराब खानों को बंद किया और पाबंदी लगाई, उसी शख्स ने इस्लाम के नाम पर जुम्मे की छुट्टी कराई, उसी शख्स ने इस्लाम का समिट करवाया और ये कहा कि हम इस्लामिक बम भी बनाएंगे और इस्लामिक बैंकिंग भी करेंगे, यानी बैंकिंग जो बहुत ही सेकुलर चीज़ है मगर उसको भी इस्लामिसाइज कर दिया। उसी शख्स ने सोशलिज्म को इस्लामिक सोशलिज्म का नाम दिया, उसी शख्स ने अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दिया। तो ये था एक दूसरे बड़े एलीट रोशन ख्याल नाम निहाद लिबरल का चेहरा। फिर उसके बाद एक और बड़ा लिबरल लीडर इमरान खान, जो इस वक्त जेल में बैठा हुआ है और ये पाकिस्तान आर्मी का पपेट था, आज भी वो ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी के साथ ही मैं बात करूंगा, पावर उनके पास है। आज पाकिस्तान आर्मी इसी लिबरल को अपनी झोली में वापस ले ले तो ये शख्स फिर आर्मी की गोद में चला जाएगा। सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया की इसे फिक्र है, खुद वो कहता है कि हाँ मैं प्ले बॉय हूं था वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ वो ऐसी खातून के साथ शादी करता है जो
पर्दा लेती हैं, मुझे उनके पर्दा लेने पे कोई एतराज़ नहीं है, वो उनका ज़ाती फेल है, मगर इमरान खान पूरी दुनिया की औरतों के साथ फ्लर्ट करता रहा और आज भी करने को तैयार है, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश है कि अल्टीमेटली उसकी जो आखिरी बीवी जो उसके मुताबिक है वो ऐसी हो जिसको दुनिया ना देखे। ये है पाकिस्तान के लिबरल लीडर्स का हाल। अब यही हाल पाकिस्तान के एक और लिबरल कमेंटेटर नजम सेठी का है, जो अपने टॉक शोज में सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मोदी को कम सीटें मिली हैं और वो अलग से अपनी सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी जो 400 पार की बात करते थे वो अब उनकी सरकार आखिरी बार है। हो सकता है मोदी जी की ये सरकार उनके अपने कारण की वजह से आखिरी सरकार हो, मगर इसको सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत पड़ी है नजम सेठी साहब को, इसलिए कि नजम सेठी भी अपने मुल्क के तीनों बड़े इस्लामिस्ट लिबरल लीडर्स की तरह वैसे ही हैं। नजम सेठी तो एक मिसाल है। मैं पाकिस्तान से तल्लक रखने वाले नाम निहाद लिबरल्स के यहां पे गिन गिन के नाम पेश कर सकता हूं जो इसी सोच के हैं, जो जिना की सोच थी, जो भट्टो की सोच थी, जो इमरान खान की सोच है। और ये कितने बड़े लिबरल लीडर थे और अंदर से ये कितने बड़े इस्लामिस्ट थे, और ये जो नाम निहाद लिबरल और अपने आप को एथियस्ट कहने वाले पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं, ऑथर्स हैं, और अच्छी बातें भी लिख देते हैं, ऐसी बात भी नहीं, मगर अंदर से ये इन द एंड इस्लामिस्ट निकलते हैं। तो ये एक अलमिया है पाकिस्तान के नाम निहाद लिबरल्स और रोशन ख्यालों का, और भारत में जो बैठे हुए मुसलमान हैं उनकी अक्सरियत भारत के निज़ाम के साथ इंटेग्रेटेड है, और वहाँ पे जो फ्रैक्शन पाकिस्तान का मीडिया या इवन भारत की अपोजिशन पार्टियाँ और ये पाकिस्तान के नाम निहाद लिबरल्स और वेस्टर्न वर्ल्ड का लिबरल मीडिया दिखाना चाहता है, वो भारत की इंटरनल पॉलिटिकल कंजम्पशन को नहीं जानता, नहीं समझ सकता। हालांकि उनके अपने मुल्कों में, खुद हमारे वेस्टर्न माशरों में, खुद पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कंजम्पशन इतनी खौफनाक और इतनी घटिया नौयत की है, और ये सारे के सारे लिबरल लीडर्स उसको बाय करते हैं, लेकिन जब भारत की बात होती है तो इनकी हिंदू दुश्मनी वाजे हो जाती है, और ये लिबरलिज्म का लबादा ओढ़े भारत में हिंदू मुस्लिम नफरत की बात को तो बहुत उछालेंगे, मगर भारत में हिंदुओं के खिलाफ जो नैरेटिव दहाइयों से रहा, और पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, अहमदियों के खिलाफ, इवन शियास के खिलाफ जो नैरेटिव 76 बरसों से चल रहा है, उस पर ये तिल मिलाते नहीं, उस पर कभी कभी आएं बाएं शाएं कर लेते हैं, मगर इन द एंड ये अंदर से इस्लामिस्ट ही रहते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.